जी नमस्कार, मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। आप लोग देख रहे हैं डी पीपुल वॉइस न्यूज चैनल से। आइए हम बात करते हैं सीतामढ़ी लोकसभा से। सीतामढ़ी से नव निर्वाचित सांसद नए बने हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी से, देवेश चंद्र ठाकुर। उन्होंने एक बयान दिया है कि यादव और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, क्योंकि यादव और मुसलमानों वोट हमको नहीं दिया है। अगर हमारे आवास पर काम करने के लिए आएंगे तो चाय नाश्ता पिला देंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है, यादवों का और मुसलमानों का। आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूँगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजद के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता लाल बाबू राय जी। ये बताइए, देखिए यहाँ तक सीतामढ़ी लोकसभा के निर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी की बात है, उनका जो बयान आया है कि यादव मुसलमान और कुशवाहा का काम नहीं करें। वो सांसद सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के हैं, सभी जनता के हैं, और कुछ न कुछ वोट हर जाति के उनको मिला है, कहीं ज़्यादा मिला है कहीं कम मिला है, सब लोग वोट दिया है तब वो निर्वाचित हुए हैं। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि हम नाश्ता करा देंगे, चाय पिला देंगे और उनका काम नहीं करें। यादव मुसलमान कुशवाहा ये सब स्वाभिमानी लोग जाति के लोग होते हैं, ये लोग किसी के यहाँ हाथ फैलाने नहीं जाते हैं। इसलिए देवेश चंद्र ठाकुर जी का जो ये बयान है गलत है, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। देवेश चंद्र ठाकुर जी का न केवल यादव और मुसलमान बल्कि कुशवाहा जाति पर भी बड़ा तंज कसा है, जो कि कुशवाहा और कुर्मी नीतीश कुमार का कोर वोटर माने जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए कुशवाहा जाति के लोग का वोट तो उनको मिला है, लेकिन कम मिला है, जितना उनको चाहिए उतना नहीं मिला है। तो प्रतिनिधि तो आदमी अपने इच्छा से वोट देता है ना, इसलिए देवेश बाबू को वो वोट दिया है, कुशवाहा लोग की दिया है, कम दिया है। अब तो उनको जदयू को अब कोई कुशवाहा वोट नहीं देगा, क्योंकि दिया है तभी उनको विश्वास नहीं है, और उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कुशवाहा वोट नहीं दिया है, यादव वोट नहीं दिया है, मुसलमान नहीं दिया है, सभी लोग उनको दिए हैं। और जहां तक सरकारी फंड का जो सवाल है, सरकार से जो सांसद निधि का पैसा मिलता है उनको, वो सभी जाति के लोगों के क्षेत्र में विकास करने के लिए मिलता है, विकास के लिए पैसा मिलता है, उनका कोई व्यक्तिगत पैसा नहीं है। और सड़क जब बनता है तो सड़क पर सभी जाति के लोग चलते हैं। और क्या देवेश बाबू वो कुशवाहा के गांव में नहीं जाते हैं, यादव के गांव में नहीं जाते हैं, मुसलमान के गांव में नहीं जाते हैं? तो ऐसा उनको बयान नहीं देना चाहिए, इस बयान से आदमी को कष्ट होता है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह के बयान से विधानसभा में क्या असर पड़ेगा? इस तरह के बयान से तो विधानसभा में कुशवाहा जाति के चाहे OBC बैकवर्ड क्लास के कोई लोग वोट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी वोट करेगा कम करेगा तो कहेंगे हमको वोट नहीं दिया। इसलिए विधानसभा में तो ऐसे भी जदयू और भाजपा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उसमें तेजस्वी यादव का ही वर्चस्व चलेगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। देवेश चंद्र ठाकुर जी कह रहे हैं कि वोटर वोट देने जाते हैं तो तीर के निशान पे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखते हैं, और हमारे पास काम कराने के लिए आएंगे तो हम भी लालू यादव और लालटेन देखेंगे। देखिए ये सब फालतू बात देवेश बाबू कहते हैं। नरेंद्र मोदी को जिसको पसंद होता है, जो नरेंद्र मोदी जी को वोट देता है, जो नीतीश कुमार को सपोर्ट पसंद आता है नीतीश कुमार को देता है, जो तेजस्वी यादव जिसको आता है सपोर्ट करता है तेजस्वी जी को वोट देते हैं, लालू जी को वोट देते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को वोट देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, कमज़ोर तबके के हर जाति के लोग तो वो वोट हमारे सांसद डॉक्टर अर्जुन राय जी को काफ़ी वोट दिया है, और वोट दिया है तब इतना वोट आया है, थोड़ा मोड़ा 20-25 हज़ार वोट से वो गड़बड़ा है, 30 हज़ार वोट और आ जाता तो चुनाव जीत जाते। आगे विधानसभा आने वाला है, क्या RJD तैयार है? RJD हमेशा तैयार है चुनाव के लिए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जितना सभा लोकसभा के चुनाव में अकेला उन्होंने किया है उतना कोई आज तक नहीं किया है। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ रह के शिक्षक बहाली
से लेकर के अन्य बहाली में भी 17 महीना में जितना उन्होंने काम किया है पूरे भारत में वैसा कोई मुख्यमंत्री उतना कम समय में उतना काम नहीं किया है। तेजस्वी यादव की एक मिसाल है, युवा है और सभी जाति के युवा लोगों का समर्थन उनको प्राप्त है और सब लोग उनको पसंद करते हैं और विधानसभा में उनको वोट देंगे और वो